हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है मारुति सुजुकी की ऑल्टो 800। कोई भी गाड़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो हम काम करने वाले हैं वो डिजिटल मीटर पे है और ये आपका जो फ्यूल लेवल है ये शो नहीं कर रहा। तो मारुति का कोई भी आपका गाड़ी हो ये काम कैसे करना है, सिंपल सी बात है, मैं वो बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या है। सिर्फ दो स्टेप है, दो स्टेप में हम क्लियर कर लेंगे हमारा मीटर का फॉल्ट है या वायरिंग का या फिर फ्यूल गैस का। तो चलिए हम फ्यूल गैस की तरफ चलते हैं, उधर वायरिंग की तरफ। अभी देख पा रहे हैं हमारा एक भी नहीं है, रीडिंग नहीं आ रहा, और फ्यूल लेवल अगर कम होता तो ये ब्लिंक करता, वो ब्लिंक भी नहीं कर रहा है। चलिए तो हम पीछे से देखते हैं। तो यहाँ पे इसका कपलर रहता है, तो कपलर में भाई ने किसी ने काम किया हुआ है, सर ने करवाया कहीं काम, तो इनको बोला गया मीटर ख़राब है आपका। तो हम यहाँ से क्लियर करेंगे कि मीटर में फॉल्ट है या फ्यूल गेज में फॉल्ट है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको एक मल्टीमीटर चाहिए। अभी इलेक्ट्रिशियन जितने भी हैं उनको मल्टीमीटर एक होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम 20 पे सेट कर लेंगे और इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद एक वायर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। एक वायर को यहाँ पे हम लगा लेते हैं, एक मिनट। इस तरीके से हमने एक बार यहाँ पे लगाया और एक बार हम इस वाले में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें वोल्ट जो है 2.5 वोल्ट के करीब शो हो रहा है, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है ना कि हमारा मीटर की तरफ जाने वाला वायरिंग भी सही है और मीटर से आने का सप्लाई भी सही है। अब हमारा जो फॉल्ट है इस तरफ है, तो इधर हम कैसे क्लियर करेंगे कि हमारा क्या फॉल्ट है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को क्वांटिटी पे लेंगे यहाँ पे, है ना, ये क्वांटिटी पे, और ये वालों को हम चेंज कर लेंगे। यहाँ से फिर से हम चेंज कर लेते हैं। तो अभी हमने नीचे लगाया हुआ था इस तरफ, अभी हमने ऊपर लगाया, इधर फ्यूल गेज है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये वायरिंग इधर मल्टीमीटर का सही है और इधर जो वायर आने वाला है उस पर मैं लगाया, तो यहाँ कुछ भी रीडिंग नहीं आया जो कि आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए। मिनिमम आपको 25 से लेकर के 150 तक आना चाहिए रीडिंग, कुछ ना कुछ, तो कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये वायर फ्लूड गैस की तरफ जो जा रहा है वो बीच से कटा हो, या फ्यूल गैस का कपलर लूज़ हो, या और भी कुछ हो सकता है। इसके लिए हमको टंकी खोलना होगा या फ्यूल सेंसर ख़राब हो सकता हो, ओपन सर्किट हो। तो फाइनली फॉल्ट हमारा इधर है। उसके लिए आपको एक मैं आपको और फॉर्मूला बता दूं। इस तरीके का एक फ्यूल गेज सेंसर होना चाहिए पुराना, वो ख़राब होता नहीं है, आप उसको रिपेयर करके टेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। तो इसका हमने कनेक्शन जब यहाँ पे किया, देख रही पीछे का वायरिंग में ओरिजिनल जो मीटर की तरफ आ रहा है, हमने डायरेक्ट सेंसर दे दिया यहाँ पे। तो अभी हमारा मीटर का रीडिंग क्या है, मीटर का रीडिंग अभी भी हमारा 0 है, क्योंकि इसको आने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए हम इग्निशन 1 टाइप ऑन ऑफ करके ऑन कर देंगे। तो इससे हमारा जो है फ्यूल सेंसर फटाक से रिजल्ट देगा जो कि फुल बता रहा है। तो सेंसर लेवल हाई है इसलिए फुल बता रहा है, तो इस समय क्लियर हो गया कि मीटर में फॉल्ट नहीं है। अगर मीटर में फॉल्ट होता तो ये कुछ भी नहीं होता, जस का तस रहता, वैसे ही हिलता भी नहीं। तो चलिए हम फ्यूल टैंक खोलते हैं, खोलने के बाद देखते हैं हमें क्या फॉल्ट मिलता है। तो इसका फ्यूल टैंक हमने फ्यूल इसमें फुल है, तो हमने इसको हाफ ऐसे पटरे के माध्यम से इसको डाउन किया हुआ है। अब हमें देख रहे हैं टैंक के ऊपर ये फॉल्ट मिला है, ये फ्यूल गैस का वायर कट है, एक या दोनों ही कट है, इसमें सिर्फ ये मोटर का वायर जा रहा है, बाकी ये कट है। तो इसको हम यहाँ से पूरा बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद इसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के बाद देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से टेपिंग करके तार को जोड़ दिया, कपलर इन कर दिया है। अभी हम इसी कंडीशन में फ्यूल लेवल का चेक करेंगे, हमारा लेवल चेंज हुआ या नहीं। तो चाबी ऑन करो जी, इसको तो पहले हम हटा देते हैं, रुक जाइए। तभी हमने इसका वायर जोड़ दिया है और हम जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा फ्यूल लेवल फुल बता रहा है, ठीक है। तो हम इसको फुल इसलिए बता रहा है कि उसमें ऑलरेडी तेल है उतना इधर। तो इसमें हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीमीटर को कैसे चेक करना है। तो इसको हमने डिस्कनेक्ट किया और एक वायर यहाँ पे लगाया और एक वायर
यहाँ पे लगाया, तो ये फुल है, ठीक है। ये सेंसर का आपका 8 का ये आ रहा है क्वांटिटी में बीप पे, इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इसको मेरे को भी क्लियर नहीं है कितना रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कुछ ना कुछ आता है, मैंने आपको बोला है कुछ ना कुछ आता है। 200 पे देखते हैं कितना रेजिस्टेंस आता है इसमें। देखिए 40 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें शायद, इसके बारे में मेरे को पूरा आइडिया नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें, मतलब ये सेंसर काम कर रहा है। अभी जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस हाई होगा फ्यूल का लेवल लो होगा, उल्टा होता है, ठीक है भाइयों। ये रेजिस्टेंस जैसे जैसे हाई होगा, जैसे 40, 45, 50, 60, 70, 150, 200, तो वैसे ही फ्यूल का गेज का मीटर का लेवल कम होगा। तो फ्रेंड जैसा कि देख पा रहे हैं फुल से एक का काटा कम है और ये हमारा वर्क डन हो गया कंप्लीट। इस तरीके से मैं जो आपको प्रोसेस दिखाया फ्यूल गैस सेंसर चेक करने का, वायरिंग चेक करने का, मीटर फॉल्ट है वायरिंग में या सेंसर में, तो इस तरीके से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पर आता रहता है। अगर आपको डिमांडेड वीडियो चाहिए तो अपना कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड लिखें, अपनी राय लिखें, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।